नमस्ते, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं आप सभी को अपना कॉलेज दिखाऊंगी जो कि है मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नंबर वन कॉलेज। जी हाँ, NIRF रैंकिंग वन, पूरे इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। तो चलिए ले चलते हैं आपको मिरांडा हाउस के टूर पर। वैसे मैं मास्क लगाती हूँ लेकिन वो वीडियो के लिए, तो बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं होती है। वेयर्स माय आई कार्ड, एंट्री मिल नहीं रहा। ऐसे करेंगे गुलाबी मैं जब भाई गुलाबी नाम रख, मिल गया आंटी, मिल गया। ये देखिए ये ना, हाँ शक्ल मैच कर लीजिए। फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में बड़े हो गए, पास आउट हो, सैनिटाइज करना जरूरी है बिल्कुल। तो ये है हमारा कॉलेज और ये है हमारे लॉन्स, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, चिट चैट होती है, फोटो शूट होता है, इतनी सारी फ्लावर्स हैं यहाँ पर। दिस इज वेरी वेल मेंटेन्ड और दिस इज़ आवर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन तो हर कोई सरकारी दफ्तर जैसा है, बट हाँ यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो चलिए कुछ बच्चियों से बात करते हैं। मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ जैसे मैं यहाँ की एलुमनाई हूँ या फिर बड़ी प्रोफेसर वगैरह हूँ। ये देखिए डिस्कशंस चल रहे हैं और ये हमारी क्लास के बच्चे हैं, बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों को साथ नहीं मिलता है, तो अकेले रहना भी अकेले रहना नहीं है, बिकॉज यू नो मिरांडा हाउस में कोई अकेले कभी नहीं रह सकता। और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैसा लग रहा है, सब कुछ कैसा है। एंड अच्छा कुछ ना बच्चों से मिलवाते हैं आपको। ये है ज्योति और ये है तिथि, मेरी क्लासमेट्स हैं। ज्योति कुछ बोलना चाहोगी मिरांडा हाउस के बारे में? आई लव दिस प्लेस और मैं बहुत खुश हूँ आई एम बैक इन द कैंपस। हाँ तिथि, इट्स रियली सैड दैट वी जस्ट हैव लाइक 2 मंथ्स लेफ्ट, आई रियली लव माय क्लासमेट्स। और फेयरवेल आने वाला है। चलो कितना प्यारा है, मतलब यार हम लोग सब मिस कर रहे थे ऑनलाइन क्लास में। म्यूट करो, अनम्यूट करो, मैं तो अटेंड ही नहीं करती थी। हाय गाइस, तो ये मेरी क्लास है और मिरांडा हाउस का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट थर्ड ईयर वाले से हाय। ये हमारी क्लास है, अलग अलग जगह से, यहाँ पर पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी बच्चे हैं। और ये है आंचल, आंचल से हाय। आंचल बहुत अच्छी डांसर है, कीरत है बहुत अच्छी डांसर है, फाल्गुनी, ईशा, अदिति, नित्या, नाशा, मुझे सबके नाम पता है ठीक है। और हाय, ये क्लास में लेट आई हैं। ये है हमारी क्लास में से हाय यार, बहुत प्यारे लोग हैं। और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ना हम ऑल गर्ल्स कॉलेज में, लड़कों की कमी आपको लग रही है? जगह ही नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। और थैंक यू सो मच, ये शायद ये ना अभी हम लोग को बहुत कैजुअल लग रहा होगा लेकिन 10 साल बाद जब ये वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बस थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय टेक टॉक। चलो बाय। अब इशिका ने ना मुझे पहले से ही बोला था कि वीडियो बनाओ तो मुझे ले लेना, तो इसको स्पेशली। तो ये है हमारी लाइब्रेरी, आइए आपको दिखाते हैं। 3 मंजिल की लाइब्रेरी है, किताबें ही किताबें। मैं लाइ नहीं हूँ, अंकल से बात कर लेती हूँ। दिस इज अ लाइब्रेरी, मिरांडा हाउस लाइब्रेरी। यहाँ ना मैं थोड़े धीरे बात करूँगी क्योंकि अगेन लाइब्रेरी है, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते यार, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और सब लोग मेरे जैसे नहीं होते ना, वीडियो जो व्लॉगिंग करते रहते हैं। दिस इज हेवन लिटरली, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऑफलाइन सिनेरियो में। मेरी आंखें तरस गई थी इसे सीन देखने के लिए, बट मैं शायद इनको डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। सिंपली वाओ। और फाइनेंस का सेक्शन है, ये यूजफुल आर्ट का, मतलब व्हाट इज नॉट यूजफुल, आर्ट इज ऑलवेज यूजफुल, अगेन फनी, जर्नलिज्म और वगैरह वगैरह। इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई के समुद्र में बच्चे डुबकियाँ लगाने आए हैं। पार्डन माय हिंदी, यहाँ पर भी बातें हो सकती हैं इसी। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पर ही कंप्यूटर लैब है।
बट वाईफाई नहीं है, पूरे कॉलेज में वाईफाई नहीं चलता, मतलब यही सबसे बुरी चीज़ है। आप देखिए आजकल कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, लेकिन हाँ वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज तो रहेगा ही। सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम। इतनी बातें कर करके और चल चल के अब मुझे भूख लगाई है और ऋषिका को भी भूख लगाई होगी, तो चलो अब कैंटीन दिखाते हैं। खाना तो क्या मस्त मिलता है, और एक पैम है, वो वाला पैम नहीं, ये वाला पैम। चलिए आपको दिखाते हैं तो समझ आ जाएगा। पेट पूजा फिर बाकी व्लॉग दूजा। ये यहाँ बैंक है, बैंक का कोई काम वगैरह करना हो तो। दिस इज इंटरेस्टिंग। ट्रॉफीज तो दिस इज आवर ऑडिटोरियम, लेट्स टेक अ स्नीक पीक। वाओ, एंड बिकॉज दिस इज अ हेरिटेज बिल्डिंग, एसी वगैरह कुछ नहीं है, गर्मियों में तो वाट लग जाती है हमारी। क्लासेस चल रही हैं एंड दिस इज हाउ कॉलेज लाइफ इज। कम, कैंटीन, खाना, खजाना। अच्छा पता है पूरे नॉर्थ कैंपस से, या तो मैं कहूँगी पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं खाना खाने, तो कुछ तो स्पेशलिटी होगी। तो चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। यहाँ तो लग रहा है बहुत टाइम लग जाएगा, बट नो वरीज, हमारे पास एक और ऑप्शन है, लेट्स कम। कभी लड़कों की कमी महसूस ही नहीं हुई, अच्छा लगता है यार, कुछ भी करो कैसे भी रहो। और लोग तो, एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज पीपल, क्योंकि बिल्डिंग क्या है बोलती नहीं है, लेकिन लोग। अब आ गए हैं हम पैम, पैम का कुछ फुल फॉर्म भी है, पिज्जाज एंड समथिंग, पैम कैफे है। यहाँ भी भीड़ है लेकिन अब मैं कुछ खा के ही रहूँगी। से लेट्स गो एंड आस्क द फुल फॉर्म। तो वी हैव ऑर्डर्ड कोल्ड कॉफी एंड मिक्स सॉस पास्ता। भैया कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा। हाय दिस इज फाल्गुनी। हाय फाल्गुनी, कुछ बोलो ना, मतलब फाल्गुनी ना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, आउट ऑफ एडजेक्टिव्स, ऐसे मुस्का लगाते हैं लोग। फाल्गुनी ना वो सीनियर है जो हर जो ऐसी सीनियर है जो सबको मिलनी चाहिए। फाल्गुनी ये बताओ जूनियर्स को कंट्रोल कैसे करना चाहिए? सीधा ये बोलो आई एम योर सीनियर, आधा वहीं डर जाते हैं। ऐसे रैगिंग टाइप तो नहीं लगेगा? इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन प्रोग्राम, द लीगल टर्म फॉर रैगिंग। एंड जूनियर सीनियर को दोस्तों जैसा रहना चाहिए या फिर एक डिस्टेंस मेंटेन? डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। हे भगवान, मैं कितनी लकी हूँ कि फाल्गुनी मेरी बैचमेट है, मेरी सीनियर नहीं है। चलो, वी आर वेटिंग फॉर आवर पास्ता। और अभी हमें पैम का फुल फॉर्म पता चल गया, इट्स पिज्जाज एंड मोर। और पास्ता नहीं आ रहा यार, कोल्ड कॉफी पी लूँ क्या? धूप इतनी है, कोल्ड से गर्म हो जाएगी। दिस इज अ नाइट ढाबा, ये हॉस्टलर्स के लिए रात में खुलता था, मुझे आज पता चल रहा है। मैं भले थर्ड ईयर में आ गई हूँ बट दिल से आई एम अ फ्रेशर। चलो ऋषिका, फाइनली ऐसे पिकनिक टाइप फीलिंग आती है ना, इतनी घास वास में खाके। अब आई जस्ट नहीं जाऊंगी, वैसे रैंडम की भूख हो जैसे लगी हुई है, पागलों जैसे। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर करूँगी, सॉरी गाइस, ब्लॉग करने के चक्कर में ठंडा हो जाएगा, तो आई कांट अफोर्ड दिस। व्हाट डू वी से? बेदे ही से समथिंग, बेदे इज फ्रॉम कोलकाता, से समथिंग इन बंगाली। तुम कैमन आछो? आमी तुम्हें खूब भालोबासी। तुम कैसे हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हें नहीं पता।
आलू अच्छा एक वो गाना है अंग्रेजी में How are you? I love you. गुजराती में कहते बंगाली में कहते हमें तो She's totally joy. So my grandma, she was from the elite. Yeah, so she was like from one of the elite families of Bengal. You know Britannia? Yeah, Britannia. Amul ka to the girl. So the Amul ka girl was painted by my grandfather, great grandfather. Okay. Oh, so you're Kaisi Lala. She Hori Badura hai. My you have that in the gene. She's an artist. और क्या क्या हो क्या क्या बोलते हैं कलाकार इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे श्री होलीपद राय एंड ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ द लेटर दैट माई ग्रैंड मॉम हैज फ्रॉम टैगोर दे शुड राइट लेटर्स अभी हमने खा लिया है अब हम आपको बेस्ट चीज दिखाने वाले हैं आज की जो कि है हमारा हॉस्टल तो चलो हॉस्टल पे चलते हैं उससे पहले यहाँ पे हमारे लॉन्स देख लेते हैं हेलो हाय हाय कैसे हो आप प्लीज नाम बता दो निशा ब्लॉग बन रहा है उसमें भी आ जाओ निशा ओके निशा PCGL अच्छा पता है इतना ऑकवर्ड हो जाता है जब आप किसी को ऑनलाइन जानते हो और ऑफलाइन आई एम सो नाइस ऑफ यू टू क्योंकि मैं मास्क में नहीं पहचान पाई एंड यू आर सॉरी आई डोंट आई नो निशा यू नो मी बेस्ट प्लेस इन आवर कॉलेज विच इज आवर कॉलेज हॉस्टल और यहाँ के लॉन्स देखिए फूल ही फूल इतने फूल हैं जिनका तो मुझे नाम भी नहीं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना मैं अच्छा वो जो पुराने बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग होती थी ना फूल फूल के बीच में गुनगुना रहे हैं भबरे उस टाइप की फीलिंग आ रही है और शूटिंग वगैरह तो मिरांडा हाउस में होती ही रहती है कबीर सिंह की हुई है कार्तिक आर्यन भी अभी अभी आया था लॉकडाउन में और फोटोशूट तो चलता ही रहता है फिल्म सिटी से ज़्यादा यहाँ का वो है क्रेज सी हैव अ लुक एस्थेटिक कौन आ रहा है अश्वती इज लाइक कि क्या चल रहा है ये करो ब्लॉग नेक्स्ट 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 करो तुम लगे रहो अपने तेरे लगे रहो आई एम सो हैप्पी टू मीट यू क्योंकि मैं तुमसे फर्स्ट ईयर में भी मिल चुकी हूँ ना तो कुछ लोगों से तो इतना ऑकवर्ड हो रहा है फ्रेंडशिप कैसे हुई थी पता है कैसे सब चलते चलते हैं गेट के बाहर बैठे थे जब आए अच्छा पता है कुछ लोगों से जब शेक पीने गए थे पता है कुछ लोगों से जब आप पहली बार मिल रहे हो ना क्योंकि आप ऑनलाइन मिल रहे अच्छा तो वही हो तुमने दिल नाम के आगे दिल बना के रखा है तुम उस व्हाट्सएप ग्रुप में चलो थैंक यू सो मच पता मिलते हैं ब्लॉग वगैरह बनाने ओके बाय बाय शिप्रा चल चले क्या अलाउड नहीं है चलो सुनो गाइस दिस इज़ द लास्ट ठीक है तो ये था MS टूर वैसे तो मिरांडा हाउस में इतनी सारी चीज़ें कि एक पूरी फिल्म बन सकती है एक पूरी वेब सीरीज़ बन सकती है आई नो दिस वीडियो इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू व्हाट द ग्रैंडियर मिरांडा हाउस कैरीज विद इट सो दिस इज़ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इधर तक देख रहे हो तो लाइक कर दो कमेंट प्लीज़ किया करो एंड थैंक यू सो मच क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी वन हु इज़ इन दिस वीडियो ऑल द मिरांडियन स्पेशल थैंक्स टू इशिका इशिका Oh my god. Bye, Aswati. Yeah.